हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नाइन फॉर क्लास फिफ्थ द चैप्टर नेम इज़ इंटरनेट एंड ईमेल स्टूडेंट्स इस चैप्टर में देखिए ये गर्ल क्या कह रही है स्टार्टिंग में आई कैन गिव यू सेंड पिक्चर्स ऑफ माय बर्थडे पार्टी इन अ पेन ड्राइव बट हाउ कैन आई सेंड दीज टू माई कज़न हु लिव्स इन अनदर अनदर सिटी क्विकली यानी कि मैं आपको अपने बर्थडे पार्टी की जो पिक्चर्स है वो मैं पेन ड्राइव में दे सकती हूँ लेकिन मुझे अगर मुझे ये अपने कज़न को देना हो और जो कि दूसरी सिटी में रह रहा है तो मैं उसको कैसे सेंड करूँगी ये पिक्चर्स तो ये बॉय क्या कह रहा है फाइल्स एप टू हैव टू बी फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज और द कंप्यूटर्स आर नॉट नियर टू ईच अदर देन इट बिकम अ टायरिंग जॉब यानी कि फ़ाइल को बार बार एक्सचेंज करना और जो कंप्यूटर पास पास नहीं है उनमें ये सब एक्सचेंज करना ये बहुत ही एक थका देने वाला जॉब है टू ओवरकम दिस ट्रबल इस ट्रबल से बाहर निकलने के लिए द सिस्टम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम को एक नेटवर्क फॉर्म करके उसमें कनेक्ट करना पड़ता है एक नेटवर्क बनाना पड़ता है और उसमें सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ता है कम्प्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कैन शेयर डाटा एंड फाइल्स इफ़िशेंटली यानी जो कम्प्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वो अपनी जो डाटा को वो बहुत ही आराम से यानी कुशलता से बहुत ही उसको शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डिले यूजिंग ई मेल ई मेल के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर uh, अपनी जो जो भी फाइल्स है वो हम उसको डाटा uh, को हम शेयर कर सकते हैं लेट मी टेल यू वॉट इज़ एन ई मेल चलिए मैं बताता हूँ कि ई मेल क्या होता है एंड हाउ टू यूज़ इट इसको कैसे यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हम पहले ये ई मेल के बारे में हम पढ़ेंगे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं तो अभी देखिए इंटरनेट में क्या होता है ये टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इंटरनेट इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी इंटरनेट क्या होता है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के नेटवर्क पूरी वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कनेक्ट रहते हैं इट अलाउ अज टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क यानी कि ये क्या ये नेटवर्क क्या करता है इंटरनेट ये हमारी uh, 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 सिस्टम को अलाउ करता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें ठीक है इंटरनेट कंटेन बिलियन्स ऑफ वेबसाइट इंटरनेट में क्या होते हैं बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एंड दीज वेबसाइट कंटेन रिलेटेड वेब पेजेस और इन वेबसाइट्स में क्या होता है इन वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट आर लोकेटेड बाय यूजिंग द वेबसाइट एड्रेस यानी वेबसाइट वेबसाइट में क्या होता है एक वेबसाइट एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं यू यानी यू आर यानी यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ अ यूनिक एड्रेस जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है ठीक है नेक्स्ट क्या है अब हमें इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है अब क्या रिक्वायरमेंट होता है द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन सी चीज़ें देखिए इंटरनेट के कनेक्शन के लिए रिक्वायर होती हैं कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले आपको क्या जरूरत है इंटरनेट के लिए कंप्यूटर सिस्टम ठीक है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है ये uh, uh, सभी uh, सभी चीज़ों में यानी कि हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस device, सभी डिवाइसेस को इकट्ठा करके ये हम कंप्यूटर सिस्टम एक बनता है ठीक है और ये हम इस ये हम किस में ये किस में हम ये रिक्वायरमेंट है ये इंटरनेट के कनेक्शन के लिए ये हमें कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है ठीक है और हमें क्या ज़रूरत होती है देखिए टेलीफोन एंड केबल लाइन की दीज हेल्प इन इस्टैब्लिश इस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर एंड द सर्वर ये टेलीफोन uh, टेलीफोन एंड लाइन की क्या ज़रूरत होती है इससे हम क्या करते हैं इससे हम लोग लिंक भेज सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को और या जो सर्वर हैं उनके उनको हम लिंक भेज सकते हैं ठीक है सर्वर में क्या होता है जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो मेन कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं ठीक है नेक्स्ट हमें क्या ज़रूरत होती है मॉडम इट इट स्टैंड फॉर यानी मॉडम को हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर कहते हैं ठीक है मॉडम ट्रांसफ़र सिग्नल ट्रांसफ़र डिजिटल इन्फॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा मॉडम क्या करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डिजिटल uh, इंफॉर्मेशन uh, 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 को ट्रांसफर करता है uh, जैसे कि यानी ट्रांसफ़र करता है वाइस वर्सा मीन्स होता है इधर से लेता है और यहाँ की आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे को सेंड करता है तो इसका काम कौन करता है मॉडेम करता है ठीक है नेक्स्ट आपका क्या आता है वेब ब्राउजर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेब ब्राउज़र क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कि गूगल क्रोम है इंटरनेट एक्सप्लोरर है मोजिला फायरफॉक्स है ये सब क्या होते हैं ये वेब ब्राउज़र होते हैं ठीक है इससे हम लोग क्या करते हैं विच हेल्प द यूज़र टू ओपन एंड डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस इसी इन्हीं के थ्रू जब हम लोग ये ओपन करते हैं इसके बाद जो वेब पेजेस होते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन हम उस वेब पेजेस में सारी लिखी हुई होती हैं तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना होता है वेब ब्राउजर ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है आईएसपी की यानी कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, आईएसपी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जियो का नेटवर्क है ठीक है एबीएसएनएल का है और एयरटेल का है एमटीएनएल का है तो ये सारे क्या होते हैं ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन में ज़रूरी होती हैं ठीक है ये देखिए लिखा हुआ है इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस ऑन पेमेंट ऑफ मंथली फी यानी कि आप आ, उसको मंथली उसको रिचार्ज कर लेते हैं और इसके बाद में उससे आपका जो नेट है वो चलने लगता है ठीक है इसमें कई सारी हैं देखिए लिखा हुआ है वोडाफोन है बी है एम है ठीक है बी का फुल फॉर्म क्या होता है भारत संचार निगम लिमिटेड एम का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और ये जियो एटसेट्रा और भी सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और भी सारे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यानी कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं देखिए टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन आपको किस चीज़ जरूरत की ज़रूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी देयर आर न्यूमरस वेज़ टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यहाँ बहुत सारे वेज हैं जिससे कि आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि